बहुत देर से इंतजार करिए, बहुत दिनों से इंतजार करिए, एक आपका भेस आया था जोगी वाला, और वो गाना अभी तक पब्लिक को देखने को नहीं मिला दिया है भौजो रगड़ पिसो रगड़ पिसो। राजनीतिक माहौल है, इस पे तमाम सिंगर मगही कलाकार और तमाम लोग गाने ला रहे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? क्या आप मतलब किसी भी पार्टी को, किसी पार्टी लेके आपसे नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन आप किसी पार्टी को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए जो फिल्म, देखिए मेरा लिरिक्स रेडी हो चुका है जी, बस आप देख लीजिए कब तक शूट होता है। हीरोइन कौन होने वाली है, किसकी कल्पना करेगी पब्लिक? देखिए अब उस तरह एक बार लाइव आके हम पूछेंगे सबसे तब ना। अच्छा माननीय स्टूडियो को क्या कुछ सब माने, खेसारी लाल यादव भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार, भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी से क्या कुछ बातचीत हुई? आप तमाम मगही के कलाकार मौजूद थे और आपको कहीं ना कहीं सराहना किया, हम तमाम मगही दर्शक गौरवान्वित थे, क्या कुछ बातचीत हुई खेसारी लाल यादव से? देखिए भैया जो भी बोले उनका बड़कपन था, जो कि हम जैसे कलाकारों को वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और अच्छा बोलते हैं और हम हमेशा अच्छा बताते हैं, ठीक ना? तो बहुत सारे बातचीत हुई उनसे और बोले कि हमेशा सपोर्ट रहेगा और जो कुछ भी अगर मदद चाहिए बोलना होगा। आपका एक गाना जो है होली में काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रहा है, जो कि लोग आरोप भी लगा रहे कि जातिवाद है या फिर क्या कुछ है, उसको खुलासा कर दीजिए क्लियर और कट। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जादव जी करके अगर यदि कुछ है तो ऐसा नहीं है कि वो जातिवाद है जी, ठीक ना? अब लोगों का डिमांड था और विशेष करके चिंटू बोल रहा था कि भैया बहुत अच्छा गाना गा दीजिए गा दीजिए गा दीजिए, तो गाना तो कहीं ना कहीं अच्छा है। हाँ तो और पुराना ट्यून था जो कि हम लोग जितने पुराने युग के दादाजी लोग आते थे वो धुन था, तो इसलिए गाए कुछ नया किए वो से। और इसमें आपका आवाज़ का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दिया जाए, इसलिए क्या, क्योंकि पारंपरिक धुन है उस पर आपका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा एकदम बेहतरीन बन गया ये गाना। देखिए सब सरस्वती माँ की देन है, जो आवाज़ में जो कुछ भी है और सबको पता है कि हम ना कहीं कुछ सीखे हैं ना क्लास किए हैं, हम तो गा चुप चुप सब लोग कॉपी करके भी गा रहे हैं। अगर देख ले लियो जाहियो हला करे लगे, अगर देख ले लियो जाहियो हला करे लगे, छोड़ा चुप 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 तू ले ले दे। पब्लिक बहुत देर से इंतजार कर रही है, बहुत दिनों से इंतजार कर रही है, एक आपका भेस आया था जोगी वाला, और वो गाना अभी तक पब्लिक को देखने को नहीं मिला, कब तक देखने को मिलेगा? अभी देखिए होली का सीजन है तो उसको रिलीज नहीं कर सकते, वो मतलब माँ के लिए गाना है वो, जब माँ के लिए भी। पब्लिक तो बहुत दिन से इंतजार कर रही है, वो वायरल बहुत हुआ था वो पोस्टर जो था जोगी वाला था आपका, उसमें क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा आपको उस शूटिंग के लिए, क्योंकि वो देखिए आम पब्लिक प्लेस में शूटिंग किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत संघर्ष रहा उस गाने में, पूरा उस टाइम पूरा ठंडा था, नदी किनारे जाके शूट करना पड़ा और मातु वही मतलब कप रहे थे तो फिर भी करना पड़ा और शमशान घाट जाके ये सब काम। भैया एक ठो क्वेश्चन मेरा है कि इतने कम एज में, पूरा जम्मू के बात करें, कम एज में फॉर्चूनर घर तक पहुंच जाना और आगे क्या कुछ धमाधान है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब पब्लिक का देन है। ये गलत बात है भैया, आपका बहुत ज्यादा मेहनत है, देखिए बहुत बड़ा मेहनत है आपका, मेहनत है, हम मेहनत ही कर सकते हैं जी। ऐसे तो तमाम बहुत सारे लोग गाते हैं और बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन आपका जो जज्बा है बढ़ती जा रहा है, बढ़ती जा रहा है, तो इसी चीज को तो कम नहीं होने दीजिएगा, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखेगा, जज्बा कम ही नहीं होगा कभी। और अभी जैसे राजनीतिक माहौल है, इसमें तमाम सिंगर मगही कलाकार और तमाम लोग गाने ला रहे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? क्या आप मतलब किसी भी पार्टी को, किसी पार्टी लेके आपसे नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन आप किसी पार्टी को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए जो जिससे मेरा भलाई हो सके जी, जिससे मेरा विकास हो सके उसको खुल के सपोर्ट कीजिए और हम भी करेंगे, और जो जो विकास ना कर पाएगा तो उसको क्या है ला सपोर्ट करेंगे, आखिर ज़्यादा टाइम ले लेंगे ठीक है बाकी।